हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर सेवेंथ चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लास 8 साइंस। चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब हम लोग प्लांट्स और एनिमल को किस तरह बचाएंगे। इस चैप्टर में जो हम लोगों ने क्लास 7 में फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन 17 चैप्टर पढ़ा था, उसी की जो है स्टोरी को थोड़ा सा कंटिन्यू किया है। तो इसमें देखेंगे हम स्टार्टिंग से, वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बुजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। जैसे कि हम लोगों ने 17 चैप्टर में 7th में देखा था कि बुजो एंड पहेली जो हैं प्रोफेसर अहमद के साथ और टीबू के साथ जो हैं फॉरेस्ट को घूमने गए थे। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट, और वहाँ से आने के बाद वो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा वो सभी कुछ अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए बहुत उत्सुक थे। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर आल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एज सम ऑफ देम हैज़ विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। और बुजो एंड पहली तो फॉरेस्ट गए थे और उसके अलावा कुछ बच्चे और भी थे उनके क्लास के जो कि भरतपुर सेंचुरी गए थे, और वो भी वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा वो बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो थे उतावले थे। सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लाकचौप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा, और कुछ बच्चों ने इन सभी के बारे में भी जो है सुन रखा था, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क क्या होता है, लाकचौप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं एंड टाइगर रिजर्व के बारे में भी उन्होंने सुन रखा था। तो अब हम लोग आते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, मतलब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, जैसा कि आपको पता है कि पेड़ों का काटा जाना, तो ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ, हमारी अर्थ पे जो है बहुत वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड, और ये जो बहुत वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल हैं ये जो हैं हम लोगों के लिए जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। टुडे ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज़ डिफॉरेस्टेशन, और जो ये जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल का जो खतरा है वो डिफॉरेस्टेशन है। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। अब यहाँ बता रहा है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट को क्लीन कर देना और उस ज़मीन को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना, जैसा कि हमने 17 चैप्टर में 7th में पढ़ा था। ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो, जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं वो किस किस कारण से काटे जाते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब वहाँ की जगह को हम लोग खेती वगैरह करने में यूज़ करें, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, वहाँ पे घर बना लिए जाएं या फैक्ट्रीज़ बना ली जाएं, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, जो है वहाँ की जो लकड़ियों के फर्नीचर बनाए जाएं या फिर उस लकड़ी को जो है ईंधन के रूप में जो है यूज़ किया जाए। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट, और जो कुछ जो कारण हैं डिफॉरेस्टेशन के वो कारण हो सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर मतलब फॉरेस्ट में आग लग जाना, और जो है सीवियर ड्रॉट मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाना। अब यहाँ पे आता है कंसीक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। पहेली एंड बुजो रिकॉल्ड द कंसीक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दे रिमेंबर्ड दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। दे रिमेंबर्ड मतलब पहेली और बुजो ने जो है वो याद कर रहे थे कि जो डिफॉरेस्टेशन से जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और पोल्यूशन लेवल भी जो है अर्थ में बढ़ जाता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और इससे जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है लेवल बढ़ जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट्स लोअर, और हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे चला जाता है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर, और इस तरह से हमारी जो अर्थ पे जो बैलेंस है वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। देवर टोल्ड बाई प्रोफेसर अहमद दैट इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू, जैसा कि प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया था कि अगर पेड़ों को लगातार काटते रहेंगे रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल विल डिक्रीज, तो जो है रेनफॉल जो है कम हो जाएगी और सॉयल की फर्टिलिटी भी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की जो अपर लेयर है वो जो है ख़राब हो जाएगी रेनफॉल के कारण। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट, और इसके कारण जो है
वहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है बाढ़ आने लगेगी और सूखा पड़ने लगेगा। रिकॉल दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हमको पता है कि प्लांट को जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन्स दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर डिफॉरेस्टेशन होने से कम पेड़ हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम प्लांट्स जो है कम लेंगे, विल बी यूज्ड अप, रिजल्टिंग इट इंक्रीज द अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। और जब प्लांट्स कम होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं वो कम लेंगे, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग, और इस तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो अर्थ के द्वारा जो हीट रिफ्लेक्ट होती है उसको ये जो है ट्रैप कर लेती है। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, और इस तरह से जो अर्थ पे जो टेम्परेचर बढ़ता है उसके कारण जो है अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी जो रेनफॉल है वो कम होती है। दिस कुड कॉज ड्रॉट, और इस कारण जो है सूखा पड़ जाता है। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन सॉयल प्रॉपर्टी, और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो सॉयल की प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल गेट इफेक्टेड बाई प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉयल गेट इफेक्टेड, और जो सॉयल की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इफेक्ट हो जाती है बाई प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, प्लांटेशन और वेजिटेशन के कारण। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉयल इरोजन, जैसा कि क्लास 7th में पढ़ा था कि जो ट्रीज़ हैं वो किस तरह से सॉयल इरोजन को रोकते हैं, तो अगर ट्रीज़ कम हो जाएंगे डिफॉरेस्टेशन के कारण तो जो है सॉयल इरोजन भी हमारा ज़्यादा होगा। फ्यूअर ट्रीज़ रिजल्ट इन मोर सॉयल इरोजन, अगर कम ट्री होंगे तो सॉयल इरोजन ज़्यादा होगा। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉयल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर, और जब हमारी ऊपर की जो लेयर है टॉप लेयर है जिसमें कि ह्यूमस ज़्यादा होता है, जब वो हट जाएगी तो नीचे की जो लेयर है हार्ड रॉकी लेयर जो है वो ऊपर आ जाएगी। दिस सॉयल हैज़ लेस ह्यूमस, और ऐसी सॉयल जिसमें कि रॉकी लेयर है उसमें ह्यूमस कम होगी एंड इज़ लेस फर्टाइल, और इसमें इसका ये जो है कम फर्टाइल होगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल एंड गेट्स कन्वर्टेड इंटू डेजर्ट, और धीरे धीरे जब इसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी तो ये डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन, और इसी को हम लोग जो है डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है सॉयल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल सर्फेस इंटू द ग्राउंड, जो पानी का जो मूवमेंट है वाटर की अपर लेयर से जो ग्राउंड में जाता है जिसको कि हम लोग इनफिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं वो भी कम हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स, और इसके कारण जो है बाढ़ भी आ सकती है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉयल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट एक्सेट्रा, और ये जो हमारी दूसरी सॉयल की प्रॉपर्टी है ये भी जो है ख़त्म हो जाएंगी, जैसे कि टेक्सचर सॉयल का जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी जो है धीरे धीरे वो भी कम हो जाएंगे। Also change because of the deforestation. We have studied in class 7 that we get many product from the forest. हम लोगों ने क्लास 7th में जैसे पढ़ा था कि हमको जो फॉरेस्ट से जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। List these product, will we face shortage of these product if we continue cutting tree? और अगर हम लगातार इन पेड़ों को लगातार काटते रहेंगे तो ये जो चीज़ें हमको फॉरेस्ट से मिलती थी वो अब हमको मिलना कम हो जाएंगी। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था कि वुड के फर्नीचर और जितनी भी मेडिसिन्स हैं जो हमको फॉरेस्ट से मिलती हैं वो अब हमको मिलना कम हो जाएंगी। अब इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमने देखा कि फॉरेस्ट हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब हमको उनको किस तरह से कंजर्व करना चाहिए, उनको किस तरह से बचाना चाहिए। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहलियन बूझो आर वरिड, अब जब पहलियन बूझो ने डिफॉरेस्टेशन के बारे में जाना तो उनको इस बात की जो है चिंता होने लगी कि अब इसको हमको रोकना चाहिए। दे गो टू द प्रोफेसर अमित एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव, वो फिर जो है प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और उनसे जो है डिस्कस करके पूछते हैं कि हमको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को किस तरह से सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहली बूजो एंड देयर क्लासमेट,
तो फिर जो प्रोफेसर अहमद हैं वो पहली बुजो और उनके क्लासमेट के लिए एक जो है विजिट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का। ही सेलेक्टेड ए प्लेस नेम्ड पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व और वो जो है उनको विजिट के लिए पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व ले जाते हैं। ही नोज दैट द प्लांट एंड एनिमल फाउंड हियर आर सिमिलर, तो वो जानते थे कि यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो हिमालयन की जो पीक में अपर लेयर की पीक में होते हैं उनकी तरह होते हैं, और जो लोअर वेस्टर्न घाट में जो होते हैं लोअर लेयर में वहाँ पे इसी तरह के जो हैं एनिमल और प्लांट्स होते हैं जैसे कि पचमेरी बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायो डाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक, और प्रोफेसर अहमद ऐसा बिलीव करते थे कि यहाँ की जो बायो डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल यूनिक है। He requested Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. तो जो प्रोफेसर अहमद हैं वो माधवजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताएं और उनको गाइड करें। ही एक्सप्लेन दैट द प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। यहाँ की जो वो माधव जी बच्चों को बताते हैं कि यहाँ की जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है उसकी वजह से जो है इसको नेशनल हेरिटेज का एक पार्ट माना जाता है। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम अवर पर्सनल एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, माधव जी जो है ये बताते हैं बच्चों को कि हम लोग जो इन जगहों को जो अच्छा बनाने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं और जो हमारी सोसाइटी जो एफर्ट्स करती है उसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसी आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल, उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो भी फॉरेस्ट और एनिमल की जो है देखभाल करती है। द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम, गवर्नमेंट्स जो हैं इनकी देखभाल करने के लिए कुछ रूल्स बनाती हैं कुछ मेथड्स और कुछ पॉलिसीज बनाती हैं जिससे कि एनिमल्स और फॉरेस्ट को जो है उनकी अच्छे से देखभाल की जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट और एनिमल को जो है कंजर्व किया जाता है और वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करा जाता है। अब आता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, चिल्ड्रन अलोंग विद द प्रोफेसर अहमद एंड माधवजी एंटर्ड द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, जो बच्चे हैं वो प्रोफेसर अहमद और माधवजी के साथ जो है वहाँ बायोस्फीयर रिजर्व में जो है जाते हैं। माधवजी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, माधवजी जो है बच्चों को बताते हैं कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको जो है बायोडायवर्सिटी को जो है बचाने के लिए जो है इनको बनाया जाता है जिससे कि हमारे फॉरेस्ट एनिमल और प्लांट्स वगैरह को बचाया जा सके। एज़ यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जिसमें कि हमारे प्लांट्स एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारे के सारे आते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ की वो लोग घूमने गए थे ये जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी को और वहाँ के कल्चर को जो है बचा के रखती है। ए बायोस्फीयर रिजर्व मे आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट, और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे जो है और भी जो है प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं इसी के अंदर। द पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड द टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पचमरी, तो जो हमारी जो है पचमरी बायोस्फीयर है वहाँ पे जो है एक जो है नेशनल पार्क है जिसका के नाम सतपुरा है और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वहाँ पे बोरी एंड पचमरी नाम की। अब हम आगे देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, जब बच्चे जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व में जो है वो घूम रहे थे तो वो वहाँ की जो ग्रीनरी थी उसको देख के खुश हो रहे थे। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टाल टीक ट्री एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट, और वहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे जो टीक के जो ट्री थे और जो उसके अंदर एनिमल थे उनको देख के वो खुश हो रहे थे। सडनली पहली फाइंड्स ए रैबिट एंड वांट्स टू
कैच इट, और अचानक जो है पहली को एक रैबिट दिखता है और वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है। सी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर इट, प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर, प्रोफेसर अहमद जो है इसको रोकते हैं। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल आर कम्फर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, वो उनको बताते हैं कि जो एनिमल है वो अपने हैबिटेट में जो है खुश रहते हैं। ही शुड नॉट डिस्टर्ब देम, इसलिए हमें उनको जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया, जो है माधव जी जो है बच्चों को बताते हैं कि कुछ प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्स फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया, तो ऐसे प्लांट और एनिमल जो अपनी एक ही पर्टिकुलर जगह में पाए जाते हैं उनको उस एरिया के फ्लोरा एंड फौना के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग आज यहीं तक डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा यहाँ पे जो है कुछ और भी चीज़ें रह गई थी बॉक्स में। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर जो है वो अर्थ का ऐसा पार्ट है इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, जहाँ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्ट करती हैं, और विच सपोर्ट लाइफ, और वहाँ पे जो है उनकी लाइफ जो है सपोर्ट होती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिनको कि हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप्स विद द एनवायरनमेंट, और उनका जो है जो ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे रहते हैं उनका जो है वो एनवायरनमेंट के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, ये भी जो है बायोस्फीयर के अंदर ही आता है। अब इस वाले बॉक्स में हम लोग देखेंगे टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरिया आर कॉल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो हमारे फ्लोरा एंड फौना है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जगह बनाई गई हैं जिनको हम लोग सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर के नाम से, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। हैव बीन एयरमार्क्ड प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर, और यहाँ पे इस तरह की जो कुछ काम है जैसे कि कल्टीवेशन करना, प्लांटेशन करना और हंटिंग करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है मना होती है, इसको हम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अब आता है सेंचुरीज, एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल को रखा जाता है जहाँ पे उनको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो रहते हैं। नेशनल पार्क एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एक नेशनल पार्क मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे ऐसी वाइल्ड लाइफ जहाँ पे जो है एनिमल जो है अपनी हैबिटेट में रहते हैं और अपने नेचुरल रिसोर्सेज में जो है फ्रीली रह सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ को जो है कंजर्व रखा जाता है, बचाया जाता है, और वहाँ के प्लांट और एनिमल को भी जो है एक बड़े एरिया में जो है बचा के रखा जाता है। रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइब्स लिविंग इन द एरिया, और वहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं उनकी भी जो ट्रेडिशनल लाइफ है उनको भी जो है प्रोटेक्ट रखा जाता है। तो ये लेसन जो है अभी हम लोग यहीं तक करेंगे। थैंक यू।